नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और स्वागत है आपका मेरे चैनल देव MTR में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा शेवरलेट स्पार्क गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी 995 सीसी का इसका इंजन है। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस इसके माइलेज के ऊपर, तो पेट्रोल में इसका जो माइलेज है वो लगभग 16 से 18 किलोमीटर का लोकल टू हाईवे एवरेज निकल के आता है। और दोस्तों, बात करूं अगर इसमें आप CNG किट लगवा लेते हो तो इसका जो लगभग माइलेज निकल के आता है लगभग 26 से लगभग 30 का हाईएस्ट माइलेज आराम से आपको निकाल कर दे देती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी गाड़ी के ऊपर आपसे बात करूंगा। ये गाड़ी आपको आप डीलर से ख़रीदें या OLX या क्विक कर कहीं से भी ख़रीदें, तो आपको ये गाड़ी कितने रुपये में ख़रीदनी चाहिए? तो दोस्तों, हालांकि ये कंपनी शेवरलेट की कंपनी इंडिया से जा चुकी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कंपनी दोस्तों जा चुकी है। लेकिन मैं बात करूँ इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो दोस्तों इसकी जो सर्विस है वो नॉर्मली हो जाती है 1500 से 2000 रुपए के बीच में, अगर आप 10000 किलोमीटर पर सर्विस इसकी कराते हो तो। अब बात करता हूँ इसके स्पेयर पार्ट्स की। तो दोस्तों, इसके जो शेवरलेट कंपनी की कोई भी गाड़ी हो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर मारुति की हेडलाइट अगर दोस्तों 3100 रुपए की आ रही है, तो इसकी जो हेडलाइट है इसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो लगभग 3500, लगभग 10 से 20% इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं इस शेवरलेट कंपनी के। अब दोस्तों, बात आती है कि शेवरलेट कंपनी की कार आप स्पार्क ले तो लेते हो, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि गाड़ी मत लेना, स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं है मार्केट में। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तो दोस्तों इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर मान लो कि 10 दुकानों में से कम 4 या 5 दुकानों पर शेवरलेट कंपनी की गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली मिल जाते हैं, लेकिन सिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मोस्टली जो रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पर इन गाड़ियों के लिए दिक्कत होती है। अगर आप स्पार्क नहीं ले रहे हो तो आप बीट ले सकते हो। बीट एक ऐसी सबसे ज़्यादा शेवरलेट कंपनी में सबसे ज़्यादा बीट को बहुत ज़्यादा सेल हुई है। ये गाड़ी अभी भी आपको रोड पर मिल जाएगी, ओला उबर अभी भी ये गाड़ी टैक्सियों में भी चल रही है, लोग इसको ओला उबर में भी चला रहे हैं। तो दोस्तों, स्पार्क अगर आप 2007 या 2008 मॉडल ख़रीदना चाहते हो तो उस गाड़ी को आप 35 या 45 हज़ार से बीच के पैसों में ही ख़रीदना, उससे ज़्यादा मत ख़रीदना। अगर आप स्पार्क गाड़ी ख़रीद लेते हो, मैंने शेवरलेट स्पार्क 2008 मॉडल ख़रीदी थी जो कि मैंने 40,000 रुपये में ख़रीदी थी, और उसको जब मैंने बेचा था 6 महीने चलाने के बाद, तो वो गाड़ी 45,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकी थी, जबकि मैंने उसमें 15,000 रुपये लगा दिए थे। तो दोस्तों, शेवरलेट कंपनी की मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप सेंट्रो भी लेते हो 2008 मॉडल की, तो आपको 60 से 55-60 के आराम से बिक जाएगी और ख़रीद भी लोगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप स्पार्क का 9 या 10 मॉडल ख़रीदना चाह रहे हो तो उसके लिए आप 45 से 50-60 हज़ार तक नहीं देना, सिर्फ 45 से 50 हज़ार तक ही देना। अगर 10, 11, 12 मॉडल है तो आप उसके लिए 55 से 60 हज़ार रुपये दे सकते हो, लगभग 65 हज़ार रुपये दे सकते हो। 12, 13, 14 मॉडल है तो उसके लिए आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा क्रॉस मत करना इस गाड़ी के लिए, चाहे उसका मॉडल 15 हो या 16 हो। अगर आप उस गाड़ी को बेचोगे तो बहुत ही कम प्राइस में वो गाड़ी मिलती है, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये गाड़ी, अगर दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, तो इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है स्पार्क की, मारुति की सारी गाड़ियों से हैवी है। टीम की जो चद्दर है, जो भी है, सब कुछ है। तो इस गाड़ी को आप दोस्तों ख़रीद सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। तो स्पार्क को आप, मैंने प्राइस आपको बता दिए हैं, 40 से 50 हज़ार के बीच में आप 8, 9, 10 मॉडल को ख़रीद सकते हो। इससे ज़्यादा मत ख़रीदना, क्योंकि आपको बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आते हैं, आप OLX या क्विकर पे ऐड डालते हो, तो आपको वही 30,000-35,000 वाले कस्टमर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके लिए। तो दोस्तों, इस पे पार्ट्स की आप ज़्यादा दिक्कत ना करें, ज़्यादा दिल पे ना लें। 50 to 60% इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको, अगर आपका बजट ज़्यादा है, 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपये का बजट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शेवरलेट कंपनी की वीट कार ही ख़रीदें। बीट इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो स्पार्क और क्रूज से भी ज़्यादा मोस्टली मिल जाते हैं हर जगह पर, चाहे ग्रामीण इलाका हो या आप दिल्ली NCR में रहते हो या किसी भी इलाके में रहते हो, आपको इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन शेवरलेट स्पार्क मैंने उन लोगों के लिए दोस्तों बताइए, जिन लोगों का बजट कम है,
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 40 से 50 हज़ार में आप लोगों को सीखने के लिए गाड़ी बहुत बेहतर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि आप टाटा नैनो और अल्टो मत खरीदना, टाटा नैनो तो बिल्कुल भी मत खरीदना, हालांकि आप अल्टो ले लेना, लेकिन अल्टो से भी बेहतर आपको ये शेवरले की स्पार्क रहेगी, ठीक है, हाईएस्ट मॉडल मिल जाएगा कम प्राइस में। अगर आप अल्टो भी लोगे तो 7-8 मॉडल आपको बहुत महंगे पड़ेगा। और स्पार्क गाड़ी, जैसा कि आप जानते हो, मैंने 110 से 120 की स्पीड तक इस गाड़ी को चलाया, गाड़ी रोड को पकड़ के चलती है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हैवी है और गाड़ी में काफ़ी वेट है, तो जिसकी वजह से गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर आप अल्टो लेते हो, अगर 80 की स्पीड पर चलाते हो, तो गाड़ी के जो आगे वाले पहिए होते हैं वो ऐसे जैसे पानी में नाव चलती है ऐसे करके वो चलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम कीमत में स्पार्क ले सकते हैं या अल्टो ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप स्पार्क ले लेते हो और आपके यहाँ CNG की सुविधा अगर है, तो आप उसमें सिक्वेंशियल सिस्टम की किट ही CNG की किट ही लगवाना, क्योंकि नॉर्मल किट किसी भी गाड़ी में मत लगवाना, क्योंकि वो गाड़ी का जो इंजन का हेड होता है उसको आ जाती है। तो आप सिक्वेंशियल CNG किट लगवाओ, जिससे कि ना हेड में प्रॉब्लम आती है, ना गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम आती है, और उसका जो पिकअप और परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और गाड़ी मिसिंग भी नहीं करती है उससे। अगर स्पार्क में आप CNG किट लगवा लेते हो, तो पुरानी किट आपको गुड़गांव में लगभग 12 से 13 हज़ार की लगभग लग जाती है सिक्वेंशियल की, और नई लगवाओगे तो 17-18 हज़ार में आपको लग जाती है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक कर देना। कुछ पूछना है शेवरले स्पार्क से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में आपको कर दूँगा। और दोस्तों मेरे चैनल को देव MTR को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अभी कोरोना का कहर अभी जारी है पूरे भारत में, 14 अप्रैल तक का अभी लॉकडाउन बना रखा है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए छोटी मोटी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, ठीक है।